पंजाब के किसान हरियाणा की सीमाओं पर डटे हैं और दिल्ली कूच करने पर आमदा है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और वो हर हाल में दिल्ली जाकर रहेंगे। इस आंदोलन में पूरे भारतवर्ष के किसान उनके साथ हैं। वहीं हम 2021 की तरह सरकार से अपनी मांगें मनवा के ही रहेंगे। किसानों के इस आंदोलन ने पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर एक बार फिर से खींच लिया है। ऐसा भी नहीं है कि किसानों का ये आंदोलन सिर्फ भारत में हो रहा है, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में किसान अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। जैसे फ्रांस में किसान कीटनाशकों के उपयोग के साथ ईंधन सब्सिडी पर प्रतिबंध के फैसले को वापस करने की मांग कर रहे थे। किसानों का प्रदर्शन इतना उग्र रहा कि फ्रांसीसी सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया। 8 जनवरी को जर्मन किसानों ने सब्सिडी में कटौती के खिलाफ एक सप्ताह का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वहीं किसानों ने कृषि डीजल पर कर छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के सरकार के फैसले के जवाब में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। वहीं 6 जनवरी को स्पेनिश किसानों ने आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिससे दर्जनों राजमार्गों पर यातायात। वहीं यूरोप में विरोध प्रदर्शन करते हुए इटली में किसानों ने सैन रोमो सॉन्ग फेस्टिवल का विरोध करने के लिए फ्लोसर के लुगेरिया शहर में रात भर अपने ट्रैक्टर पार्क किए। वहीं बेल्जियम में सैकड़ों गुस्साए किसान ट्रैक्टर चलाकर ब्रसेल्स में घुस गए और उच्च करों और बढ़ती लागत के खिलाफ यूरोपीय संसद के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पोलैंड में किसान यूरोपीय संघ की पर्यावरण नीतियों और गैर यूरोपीय संघ देशों में असुनिश्चित प्रतिस्पर्धा का विरोध करने के लिए देश भर में सड़कों को अवरुद्ध कर रहे हैं। किसान मध्य और उत्तरी ग्रीस में नाकेबंदी कर रहे हैं, जिससे यूरोप के अन्य हिस्सों में भी किसानों का विरोध हो रहा है। रोमानिया में सैकड़ों किसानों और ट्रक ड्राइवरों ने 3 हफ्ते पहले विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसमें ट्रैक्टरों और ट्रकों के काफिले ने राजधानी बुखारेस्ट सहित बड़े शहरों के पास राष्ट्रीय सड़कों पर यातायात अवरुद्ध कर दिया था।